नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आनंदीबेन के इस्तीफे पर उठे सवाल, निशाने पर भाजपा और मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस चल रही है। ये पहला मौका है जब देश के किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह इस्तीफे की पेशकश की हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गुजरात जलने के लिए आनंदीबेन के 2 साल नहीं, मोदी राज के 13 साल जिम्मेदार हैं। आनंदीबेन का बलिदान भाजपा को नहीं बचा पाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आनंदी जी का इस्तीफा गुजरात में आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जीत है। ये आपकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। भाजपा गुजरात में बुरी तरह से डरी हुई है। माना जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री की रेस में नितिन पटेल सबसे आगे हैं। हाफिज सईद की धमकी के बावजूद पाक जाएंगे राजनाथ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लश्करे तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद की चेतावनी के बावजूद दक्षिण देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को पाकिस्तान जाएंगे। समझा जाता है कि बैठक में सिंह इस्लामाबाद से कहेंगे कि वो भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करें। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि दक्षिण बैठक पर बहुपक्षीय बैठक है, इसकी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। वो कोई संदेश देने या पाकिस्तानी गृह मंत्री से अलग मुलाकात करने नहीं जा रहे। उल्लेखनीय है कि आतंकी सईद ने चेतावनी दी है कि अगर सिंह दक्षिण मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो उसका संगठन पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को धांधली की आशंका। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें आगामी राष्ट्रपति पद के चुनाव में धांधली होने की आशंका है। ट्रंप ने ओहायो में अपने भाषण के दौरान कहा कि मुझे ये बात ईमानदारी से कहनी है कि मुझे चुनाव में धांधली होने का डर है। रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में 17 उम्मीदवारों को पछाड़ने वाले ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन को सिर्फ वारमोंट से सीनेटर बनी सैंडर्स के खिलाफ लड़ना था। ट्रंप ने कहा कि मैं सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ रहा था, मुझे 17 लोगों से मुकाबला करना था। उन्हें बर्नी को अपने रास्ते से हटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अव्वल तो ये धांधली थी और मुझे डर है कि आगामी चुनाव में भी धांधली होने वाली है। इस बात को कहने में मैं पूरी तरह ईमानदारी बरत रहा हूँ।